दर्शन किए हैं और माना जी से देखिए, बागेश्वर धाम जो है, बागेश्वर धाम जी हमारे इस क्षेत्र के काफ़ी श्रद्धा और आस्था के केंद्र है। और जब से महाराज जी ने यहाँ व्यवस्थाएं देखना प्रारंभ किया है, तब से ये क्षेत्र में लोगों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। और एक पूरे देश भर में लोग यहाँ से आ रहे हैं। लगभग आज यहाँ पर 5 लाख लोग उपस्थित हैं। तो एक लोगों की धार्मिक आस्था है, श्रद्धा है, और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, लगातार संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है। उस हिसाब से सरकार लगातार व्यवस्थाएं कर रही है। आज भी हमने सारी व्यवस्थाओं को देखा है, और जिन जिन जहां पर और भी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है, वो निर्देश हमने प्रशासन को दिए हैं, तो वो बाकी सब व्यवस्थाएं भी की जा रही है। देखिए, संत हैं, संत के अपने भाव होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारत एक सांस्कृतिक भारत, भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। भारत की संस्कृति के आधार पर भारत देश आगे बढ़े, भारत की राष्ट्रीयता के आधार पर भारत देश आगे बढ़े। और हिंदुत्व का मतलब कोई जाति धर्म से नहीं होता है। हिंदुत्व की परिभाषा में सभी जातियां, सभी धर्म आते हैं, और सभी जातियों, सभी धर्मों को लेकर भारत देश आगे बढ़ना चाहता है। और चाहे डॉक्टर अम्बेडकर साहब हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, सभी ने भारत में राम राज्य की कल्पना की है। सभी चाहते हैं कि भारत में राम राज्य हो। तो राम राज्य की स्थापना का मतलब ये है कि जो राम राज्य का आदर्श था, जो राम राज्य की मर्यादाएं थी, जो त्याग था और एक आदर्श राज्य था, उस राज्य की कल्पना करना कोई गलत नहीं है, और इसलिए राम राज्य की बात लोग करते हैं। सर, बागेश्वर में अभी 2023 में चुनाव होने नवंबर में, देखिए, इसका हम लोगों का चुनावी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये तो पूरी तरह से धार्मिक आयोजन है, और भारतीय जनता पार्टी धार्मिक कोई भारतीय जनता पार्टी धर्म का चुनाव में उपयोग नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी तो धार्मिक पार्टी ही, धर्म को मानती ही है, इसलिए हमें चुनाव में कोई चुनावी धार्मिक यात्राएं हम लोग नहीं करते। हम लोग तो 12 महीने धर्म को मानते हैं। ये तो धार्मिक कांग्रेस जो है वो धार्मिक पर्यटन करती है, तो जब चुनाव आता तो चुनावी पर्यटन कांग्रेस करती है। चुनावी पर्यटन करने आए थे वो, जब चुनाव आता है तो कांग्रेस चुनावी धार्मिक पर्यटन करती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धार्मिक उसमें विश्वास रखती है, और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनोफेस्टो हो या विचारधारा हो, जिसमें हम लोग देश में एकमात्र पार्टी है जो स्पष्ट रूप से कहती है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस अपने मैनोफेस्टो में क्यों नहीं कहती? भारतीय जनता पार्टी कहती है अयोध्या में, इसमें आपका कश्मीर में धारा 370 हटना चाहिए, तो ये बात तो भारतीय जनता पार्टी कहती है। नहीं, अगर वो ये इस बात को मानते हैं और धर्म को मानते हैं, तो उनको ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहिए। क्यों नहीं कहते कि अयोध्या में राम का मंदिर, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, इस बात को क्यों नहीं कहते? तो ये तो चुनावी पर्यटन है, चुनावी धार्मिक।